साथियों, आप सबों का स्वागत है द न्यू लिम के इस कार्यक्रम में। आज गांधी जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी के विचार और समकालीन भारत के विषय में हम बात करेंगे प्रोफेसर राकेश भट्टब्याल से। प्रोफेसर राकेश भट्टब्याल इतिहासकार हैं और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी मीडिया स्टडीज में पढ़ाते हैं। प्रोफेसर भट्टब्याल, आपका स्वागत है द न्यू लिम में। आज गांधी जयंती का दिन है। आज से 151 साल पहले महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। आज के इस बातचीत में हम जानने की कोशिश करेंगे कि समकालीन भारत में गांधी के विचार कितने महत्वपूर्ण हैं। 30 जनवरी 1948 को 5:17 में बिरला हाउस में गांधी को गोली मार दी गई थी। नाथूराम गोडसे ने गांधी को गोलियां मारी और उनकी मृत्यु हो गई। आज के समय में ये जानना बहुत जरूरी है कि नाथूराम गोडसे ने अपनी गोलियों से सिर्फ महात्मा गांधी के शरीर को मारा था या उनके विचारों को भी मार दिया था, या क्या उनके विचार आज भी जिंदा हैं? सो प्रोफेसर, एज ए हिस्टोरियन, मैं आपसे, और आपने बहुत डीप स्टडीज किया है गांधी के बारे में, पूरा फ्रीडम स्ट्रगल को आपने बहुत अच्छे से बताया है, तो मैं आपसे ये सबसे पहले जानना चाहूँगा कि एज ए हिस्टोरियन गांधी के किन महत्वपूर्ण बातों को आज के दौर में हमें फिर से समझने की जरूरत है। देखिए, धन्यवाद मुझे आपके इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए। आपने जो सवाल किया है, बहुत ही अहम प्रश्न आपने रखा है कि गांधी के कौन से विचार आज अहम हैं। एक व्यक्ति जब समय और काल और विशेष परिस्थितियों से ऊपर उठकर जब तत्कालिक नहीं रहता, जब बहुत सारे कालों का वो निर्णायक बन जाता है जी, उनके बहुत सारे विचार जो है जनता में प्रचलित होते हैं। कोई तो ये भी कह सकता है, जैसे कुछ इतिहासकार ने कहा भी है, कि गांधी अफवाहों से बने हैं। गांधी कुछ कहेंगे कि गांधी वेजिटेरियन, गौशाला बना के गांधी बने हैं। कुछ तो कुछ लोगों के लिए शायद, जैसे बहुत 70 के दशक के बहुत सारे गांधीवादी आपको मिलेंगे जिनके लिए सुबह उठ के गर्म पानी से कुल्ला करना सबसे बड़ा काम होता था। तो ये इस तरह के बहुत सारे गांधी, और गांधी ही क्यों, आप दुनिया में कहीं भी चले जाए, उस देश के, उस वक्त, उस समाज के जो बड़े बड़े महत्वपूर्ण लोग होते हैं, उनकी बहुत सारे विचारों को लोग इधर एक तरफा देखते हैं, कि एक ही दृष्टि से देखते हैं कि यही उसके विचार हैं, या उसके बहुत सारे विचार हैं। तो बहुत सारे विचार होने से होता क्या है कि बहुत लोग कभी कभी संशय में पड़ जाते हैं कि कौन से विचार निर्णायक है। तो आपका जो प्रश्न है वो इसी दिशा की तरफ संकेत करता है कि कौन से अहम और निर्णायक भूमिकाएं और विचार गांधी के रहे। तो मेरे ख्याल से 2-3 को, अगर आज गांधी गांधी जयंती है, गांधी का जन्मदिन है जी। और उस दिवस को याद करते हुए अगर हम सोचें कि उनके मुख्य विचार क्या है, तो मैं पहली बात गिनवाना चाहूंगा उनका, गांधी जो है वस्तुतः राष्ट्रीय आंदोलन की राजनीति के धरातल पे के नेता है। राजनीति, लोग राजनीति को बहुत तरह के नजर से देखते हैं, खासकर उसको कहा गया, हम जब से बड़े होते हैं, कि राजनीति जो है गंदी चीज है। आजकल कहा जाता है कि राजनीति डरावनी चीज है, राजनीति में जाओगे तो मार खाओगे, पिट जाओगे, ईडी पकड़ लेगा, सीबीआई पकड़ लेगा, यू नो। इसी यही जो डर और यही जो गंदगी का माहौल है, कि कहा गया कि राजनीति बड़ी गंदी चीज है, आप मत आओ। हर राजनेता दूसरे को कहता हुआ फिरता है, बच्चों को, युवा युवा पीढ़ी को यूनिवर्सिटी में आके, राजनीति बड़ी गंदी है, आप मत करो, हमारे लिए रहने दो। हाँ, तो अगर इतनी गंदी हो तो इतने सारे लोग क्यों आ रहे हैं? तो ये जो दो जो धारणाएं बनाई जाती है कि राजनीति संशय की चीज है, राजनीति गंदगी की चीज है, राजनीति डरावनी चीज है, गांधी ने शायद इन सबको तोड़कर राजनीति की एक नई परिभाषा गढ़ी, राजनीति का एक नया धरातल दिया लोगों को। उसमें अब अगर आप पूरी स्वाधीनता संग्राम का जो पूरा परिप्रेक्ष्य है, प्रकाश आप शुरू से देख लीजिए, जब गांधी का अवतरण होता है, तो ऐसा नहीं कि राजनीति स्वाधीनता संग्राम नहीं चालू, स्वाधीनता संग्राम चालू था, और गांधी उसके
पात्र बने, ऐसा नहीं कि गांधी ने स्वाधीनता संग्राम शुरू किया है, वो उसमें आते हैं और उनके आने के बाद एक नए एक और जो समावेश लोगों का समावेश होता है, किसानों का, गरीबों का, शिक्षकों का, जो सड़क चलते लोगों का, सारे अब राजनीति में आते हैं। राजनीति जो है, राजनीति का उन्होंने एक बहुत बड़ा बड़ी परिभाषा दी कि राजनीति जो है वो असत्य से लड़ाई की, अगर आप असत्य से किसी भी तरह लड़ते हो तो वो आपकी राजनीति है। और वही राजनीति जो है, ऐसा नहीं कि असत्य से आप घर में लड़ रहे हो, असत्य से आप एकदम राजा के साथ भी लड़ सकते हो। और यही शायद इसी को, यही जो अहम जो मुख्य उन्होंने प्रश्न रखा कि असत्य से लड़ना जो है वो शाश्वत है। इसीलिए शायद हम, जैसे हमारे वर्दी में लिखा होता है, हमारे कोर्टरूम में लिखा होता है, सत्यमेव जयते, आज असत्य की जय तो हो रही है, चारों तरफ हमें दिखता है, लेकिन प्रश्न ये नहीं कि, अगर प्रश्न ये उठता है कि क्या हम असत्य हो जाएं, ये कोई नहीं कहता। कोई भी बाप जितना भी असत्य हो वो अपने बेटे से नहीं कह सकता, बेटी से नहीं कह सकता कि तुम असत्य आचरण करो, क्योंकि संस्कृत में जो सुभाषितानियां होती हैं उसमें यही कहा जाता है कि सत्य वद। तो ये जो सत्य जो है शाश्वत है, और उसी शाश्वत धरातल पे राजनीति करने का जो एक परिभाषा गांधी आए, और परिभाषा ही नहीं थी, परिभाषा तो प्रोफेसर हम रोज गढ़ते हैं, लेकिन उन्होंने उस पर चला, उस पर खुद चले, अपने बच्चों, अपनी धर्मपत्नी को चलाया, उनके साथ जो आए उनको चलवाया। बिहार में जब चंपारण गए वो पहली बार राजनीति करने, राजनीति को इस शब्द में परिभाषित कर रहा हूँ गांधी के शब्दों में, तो वहां के बड़े बड़े वकील राजेंद्र प्रसाद और सत्यनारायण सिन्हा, वो सब वहां पर पहुंच गए, मजहरुल हक से लेकर हर आदमी पहुंचे कि गांधी के साथ हम भी राजनीति करें। अब वहां जाके गांधी ने सबको बैठा दिया कि किसान आएंगे कल सुबह से, और आप जो है वो क्या बोलेंगे उसको लिखो। ये अगर आज जो आप, जैसे आप पत्रकार हैं, आप पत्रिका चलाते हैं, अब फेक न्यूज का जमाना है जो आप, जिसके खिलाफ आप लड़ रहे हैं। गांधी ने एक्चुअली फेक न्यूज के खिलाफ जो लड़ाई शुरू की थी वो गांधी ने इस देश में शुरू की, कि उन्होंने सारे लोगों को बैठा दिया और हजारों जो टेस्टिमनीज है, किसान आते थे और वो लिखवाते थे, बोला डिटेल लिखो। राजेंद्र प्रसाद ने अपने अपने संस्मरण में कहा है कि हमें समझ में नहीं आ रहा ये करा क्या रहे हैं हमसे। बाद में जब उनको समझ में आया, मेरे ख्याल से जब वो बात के समय में उन्हें समझ आया कि गांधी ने 10 से 20,000 जो टेस्टिमनी जमा की थी, उसकी सत्यता को, उसमें हो सकता है 5 गलत हो, 10 गलत हो, 10,000 गलत नहीं हो सकते, उसको अंग्रेज सरकार भी असत्य साबित नहीं कर सकी, और जिसके कारण नील का जो वहां पर जो नील कोठियों का जो एक कानून था वो 2-3 साल में खत्म हो गए। तो ये सत्य सत्य पे चलने की जो राजनीति है वो कोई डरने की राजनीति नहीं। उसके बाद उसने उस राजनीति में दूसरी जो उन्होंने भूमिका रखी कि सत्य की राजनीति में डर का स्थान नहीं होता। तो अगर आप सत्य की राजनीति कर रहे हैं तो डरिए मत, और अगर आप नहीं डरते हैं, और यहीं पर शायद वो करोड़ों की जनता जो आ गई, नंगे भूखी नंगी जनता जो आई, वो आज भी हमारे जैसे कम्युनिस्ट होते हैं कि कम्युनिस्ट कहते हैं कि हम जनता की राजनीति करते हैं, लेकिन जनता जो है गांधी के साथ चली जाती है। तो ये जो सत्य और निडरता और निर्भय और डर का माहौल, उससे उन्होंने राजनीति को मुक्त किया। तीसरी बात जो उन्होंने कही और जो कि सबसे मध्य की बात है आज क्यों वो शाश्वत है, क्योंकि शाश्वत राजनीति यही है, उन्होंने कहा कि अगर हमारी राजनीति, हमारी कथन, हमारे कथन, हमारे कार्य प्रणाली, हमारे हमारे विचार सत्य पर आधारित है, और चूंकि सत्य पर आधारित है हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, तो वही शायद हमारी नेचुरल राजनीति है, हमारी प्राकृतिक राजनीति है, हमारे हमारे रग रग में वही राजनीति दौड़ती है। जो भय का, हिंसा की राजनीति जो है वो अननेचुरल है, वो हमारे नेचुरल नहीं है। और यहाँ इतिहास में जो एक तो शाश्वत जो एक द्वंद्व चला आ रहा है बहुत कालों से और हर समाज में है कि राजनीति, या फिर राजनीति छोड़ दे, हमारी जो व्यक्तिगत जो कार्यप्रणाली होगी वो हिंसा पे आधारित होगी या अहिंसा पे आधारित होगी। तो गांधी इसके पहले विचारक नहीं हुए हैं, महावीर इसके बहुत बड़े विचारक हैं, जैन तो इतने इतने अहिंसावादी हैं कि वो कीड़ा तक नहीं मारते, शाम को खाना ही खा लेते शाम के पहले तक, कोई कीड़ा गलती से न मर जाए। तो अहिंसा और जो हिंसा की राजनीति जो है, इस हिंसा की जो प्रणाली है, उन्होंने कहा कि हमारी जो राजनीति जो सत्य पर आधारित होगी, जो निर्भय होगी,
वो अहिंसक होगी, क्योंकि अहिंसा जो है हमारी नेचुरल, जो आजकल कंप्यूटर लैंग्वेज बोलते हैं ना, टेम्पलेट है, हमारी टेम्पलेट अहिंसक है। जबकि फ्रॉयड ने कहा था कि जो हमारी हमारी जो पर्सनैलिटी है, हमारी जो सभ्यता है, वो हिंसा पे बनी है। मार्क्स ने कहा हिंसा पे नहीं बनी है। हाँ, ये द्वंद वहां है। मार्क्स को लोग गलत परिभाषित करते हैं कि उन्होंने कहा कि अहिंसा से आंदोलन होगी, नहीं, उन्होंने कहा कि ये जो सभ्यता है, जो जैसे चल रही है, जो फ्यूडलिज्म सामंतवाद से कैपिटलिज्म पूंजीवाद आ रहा है, इन्होंने इस तरह की प्रक्रिया तैयार की है कि जिसमें हम अपने आप से एक तरह से अलग हो जा रहे हैं, हम अपने भाई बंधु से अलग हो जा रहे हैं, और इसीलिए समाजवाद जैसी कोई प्रणाली आए जो कि हम लोगों को इकट्ठा मिला दे। इसीलिए सॉलिडारिटी की बात होती है, इसलिए हम सॉलिडारिटी मूवमेंट करते हैं, निकारागुआ में हो या जहां भी हो, हम चाहते हैं, जैसे स्कूल में हम चाहते हैं कि लोग आपस में मिल के पढ़ाई करें, लेकिन सिस्टम बोल रहा है कि आप कंपीट करके पढ़ाई करो। तो गांधी ने उसी उसी जो एक पूरे विश्व में जो एक तरह से ऐतिहासिक एक तरह से व्यवस्थापनाएं चल रही हैं, उस पे अपनी राजनीति को आधारित किया, और भारत की राष्ट्रीय आंदोलन की राजनीति उस मायने में विश्व के इतिहास की अभूतपूर्व राजनीति राजनीतिक आंदोलन है जिसको गांधी ने लीड किया, जिसने तीनों शाश्वत सत्य को एक साथ संजोकर एक राजनीति करनी चाहिए, जिस जो कभी आज भी उसकी भूमिका चारों तरफ आपको दिख रही है। जब असत्य का वातावरण है, भय का वातावरण है और हिंसा का वातावरण है, ये तीनों शाश्वत लड़ाई जो है आज की नहीं है, ये पुरानी बात है। जैसे जैसे कहा किसी ने कि जब जब धर्म की पराजय होती है, तो धर्म का मतलब यही तीन जो जो जिसको जो सभ्यता को या समाज को या व्यक्ति को, तीनों को, व्यक्ति वैष्टि को और समष्टि को, दोनों को इकट्ठा करके रखते आगे बढ़ने का मार्ग दिखाता है। उस शाश्वत राजनीति में भारत की राजनीति जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसको गांधी ने प्रतिष्ठापित किया, और आज भी शायद हम वही खड़े हैं। और इसीलिए जरूरत है गांधी को रोज देखने की, उनके तस्वीर को देखने की, उनके विचारों को देखने की। जी, इसी से रिलेटेड आज की दौर के कुछ समस्याएं हैं जिनके बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा। चाहूंगा कि ये जो हुए हैं कुछ चीजें, उनपे भी हम गांधी के जरिए कैसे वॉक कर सकते हैं। जैसे कि पिछले कुछ महीनों में हम लोगों ने जिस तरीके से माइग्रेंट क्राइसिस देखा, लॉकडाउन हुआ, अचानक से उन्हें शहरों को छोड़ के अपने गांव और कस्बों के तरफ जाना पड़ा। जो स्टोरीज हमारे सामने आई हैं वो बहुत विचलित करती हैं। हजारों किलोमीटर बच्चे, औरतें जा रहे हैं, चल रहे हैं, और उनके खाने के लिए कुछ नहीं है और वो चलते ही जा रहे हैं। जिन शहरों को उन्होंने बनाया इतने सालों से, जिन घरों को बनाया, अचानक उन्हें लगता है कि इस घर में, इस शहर में ना हमारे लिए कोई छत है, ना खाना है और ना रहने का है। तो कहीं ना कहीं अचानक से एक्सेप्टेंस जो है वो सिटी उन लोगों को नहीं देती है कि आपका भी है ये, और कहीं ना कहीं ये बहुत पहले से देखा जा रहा है। सिमिलरली ये जो आजादी के इतने दिनों बाद 1947 में जो पार्टीशन हुआ था, तो वैसा ही कहीं ना कहीं माइग्रेंट क्राइसिस के टाइम में भी हमें देखना पड़ा। ज्यादातर वही वर्ग के लोग थे जो श्रमिक हो या माइग्रेंट वर्कर हो, वो लोग जा रहे थे। 1946 और 1948 के समय गांधी नोआखली, बिहार, कोलकाता में पैदल यात्रा कर रहे थे, और जैसा कि अभी हम लोगों ने बात किया कि लास्ट मैन, जो आपने चंपारण की भी बात बताई, तो लास्ट मैन तक कहीं ना कहीं उनका पहुंचने का वो कोशिश कर रहे थे, उनके दर्द में उनके साथ चलने की कोशिश कर रहे थे। तो आज के समय में वैसा कुछ नहीं देखा। इतने सारे पॉलिटिशियंस थे, ट्विटर पे टैग कर रहे हैं लोग, ऑनलाइन बोल रहे हैं, मीडिया कवरेज कुछ भी नहीं दे रही है, लेकिन ये सारी चीजें हुई और कोई बदलाव देश में नहीं देखा गया। तो क्या आपको नहीं लगता कि जो लास्ट मैन है उसकी परिस्थिति कहीं ना कहीं आज भी वही है जो 1947 में थी आज के समय में? आपने जो जी परिभाषित किया, पूरा एक समा बांधा कि क्या हुआ पिछले एक दो सालों में, जी मेरे उस पर कुछ कुछ भिन्न ख्यालात मैं रखता हूँ। उसमें गांधी बहुत ही एक तरह से महत्वपूर्ण उनका नजरिया होता है, लेकिन थोड़ा सा हटके अगर मैं कहूं कि
कि देखिए ये जो माइग्रेंट क्राइसिस हुई है इसके चलते आपके दो केवल कोविड से नहीं, आपको अगर याद होगा दिल्ली के नरेला वगैरह से मजदूर निकल गए थे क्योंकि नोटबंदी के समय कैश की ना, मुझे याद है 2006-07 में मैं रोमेनिया देश है, कम्युनिस्ट कंट्री था, वहां के उत्तर पश्चिम का इलाका है जहां पर वो ड्रैकुला का इलाका कहते हैं, ड्रैकुला वहीं से आते थे, तो उस इलाके में घूम रहा था और अचानक मेरी नजर पड़ी बहुत ही छोटे छोटे शहर जैसे बड़े बड़े गांव, बड़े बड़े किले जैसे बड़े बड़े मकान खाली पड़े हुए हैं। आपको लगेगा कि भुतहा गांव है, सारे भुतहा शहर है और सारे वो जर्मन स्टाइल में शहर बनते हैं, तो जर्मन स्टाइल का होता है, एक बीच में टाउन हॉल होता है चारों तरफ। तो कुछ देर बाद मुझसे देखा नहीं गया कि पिछले 3-4 घंटे में मैं केवल भुतहा एक गांव, कोई शहर कोई रहता नहीं है, कुछ जिप्सी रहते हैं शहर के बाहर। तो मुझे कहा गया कि ये सब जो है ये इंडस्ट्रियल सेंटर बनाए गए थे 1960-70 में, सारी चीजें बाहर से आई थी, वो प्लान्ड जो इंडस्ट्रियलिज्म है ईस्टर्न यूरोप का या कम्युनिस्ट कंट्रीज में उसके तहत। जैसे ही इकोनॉमी चेंज हो गई तो वो सारे जो जहां से आए थे या जैसे वहां पर चुके और कुछ है नहीं, वो सब उधर मिले, तो वो भुतहा रह गए। उसके एक साल बाद ही 2007 में जब स्लंप आया अमेरिका में, तो बड़ी बड़ी शहरें जैसे कार का जनरल मोटर्स जब बंद हुआ तो डिट्रॉयट सिटी का नजारा कुछ ऐसा ही था, कुछ और इनर सिटी में वायलेंस और सब लोग निकल गए। आज भी अमेरिका में लोग डरते हैं कि मेरे शहर का जो बड़ा इंडस्ट्री वो अगर बंद हो जाए तो ये शहर जो है खाली हो जाएगा। कुछ इस अंदाज में मैं उसको देखता हूँ कि गांधी का जो कहा, जो विलेज इंडिया की बात की, लोग उसको हंसी में उड़ाते गए। एक इंसान ने उसको बहुत करीब से समझा और वो था नेहरू, और नेहरू उनका क्रिटिक था। नेहरू की गांधी बार बार ये देख रहे थे कि अल्टीमेटली जो एक तरह से शाश्वत तो नहीं बोलूंगा लेकिन जो एक तरह से परमानेंट देता है, एक तरह से स्थायित्व देता है, वो गांव है कुछ नजरिए में। और उस गांव में जो गांव की जो इकोनॉमी है कुछ हद तक इंसान को जोड़ के रखती है प्रोडक्शन से, और उसी जुड़ाव में जो है एक तरह से स्थायित्व आती है। और इस स्थायित्व का और जो बुराई जो आएगी गांव में, खासकर जाति व्यवस्था की बुराई जो है, अछुआछूत की बुराई है, अगर उसको अटैक करके उसको खत्म कर दिया जाए तो उस इकोनॉमी में ऐसी कोई दोष नहीं है जिसमें यह कहा जाए कि इंडस्ट्रियल इकोनॉमी से वो खराब इकोनॉमी है लोगों के लिए। इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की जो सबसे उमदा बात है, जो नेहरू जिसके एक तरह से प्रशंसक बने, इंडस्ट्रियलाइजेशन जब से आया है अमीर गरीब तो हुए ही है, इंडस्ट्रियल लेबर बना है, लेकिन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सिस्टम, इंडस्ट्रियल सिस्टम में एक आइडिया ऑफ इक्वालिटी की उपज आई है जो कि प्राचीन और सामंतवाद और कहीं और नहीं है। और आप देखिए आज जब भारत की जो पूरी व्यवस्था है उसमें इक्वालिटी अगर कहीं खो जा रहा है, इसका बहुत बड़ा कारण यह है कि पूंजीवाद जो यहाँ बनता है पिछले कुछ सालों में वो इंडस्ट्रियल पूंजीवाद नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं लगाता, कोई शहर नहीं बनाता, टाटा शहर बनाता था, मोदी शहर बना, मोदी नगर बनता था, टाटा नगर बनता था, डालमिया नगर बनता था, आज कुछ नहीं बनता। आज तो हुआ क्या कि इंडस्ट्रियलिज्म एक इक्वालिटी आई है, गांधी उसी इक्वालिटी को गांव के थ्रू से लाना चाह रहे हैं और शायद वो सक्सेसफुल नहीं है। आप देखिए अंबेडकर कह रहे हैं कि गांव छोड़ो, नेहरू ने इस बात को समझा कि गांव में रहना बहुत ही खराब चीज होगी क्योंकि जो दलित हो या जो भी और आगे बढ़ना चाहता हो, मॉडर्निटी नहीं आ पा रही है, तो उन्होंने कोशिश की कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी तो बने, इक्वालिटी तो आए, साथ में गांव का भी, इसलिए कम्युनिटी डेवलपमेंट जो पूरा प्रोग्राम था नेहरू लेके आए थे, अमेरिका से पैसा लेके आए थे, बीडीओ जो आज सबसे एक तरह से करप्ट ऑफिसर ऑफिस का नाम दिया जाता है, बट सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका रही है बीडीओ की, तो ये नेहरू की देन है। तो ये जो आज हम देख रहे हैं पलायन, जो लोग भाग रहे हैं, एक तो ये सिस्टमिक है जिसको गांधी ने शुरू में ही समझ कर उसको काउंटर किया, क्योंकि उन्होंने साउथ अफ्रीका में देखा लोग इन्हीं गांव से पलायन करके वहां गए थे, फिजी गया ना। गांधी की जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल मूवमेंट रही है, उनके जितने करीबी दोस्त थे वो सारों ने वहां वहां काम किया, फिजी गया ना, मॉरिशस, आज भी डायस्पोरा के नाम पे बहुत सारे विद्वान जो है बहुत घूम घाम के काम करते हैं लेकिन कोई गांधी की बात नहीं करता। सबसे बड़ी पॉलिटिक्स वहां से आई। नाउ आपका जो प्रश्न है इस परे परे पृष्ठभूमि में ये है कि आज का जो हम समाज देख
रखा हमने और राजनीति देखी जिसमें माइग्रेंट की किसी ने बात नहीं की। देखिए जो 47 का जो ये था उसमें नेहरू वहां बैठे थे, अगर आप फाइल्स पढ़ेंगे जो कि मैं आजकल पढ़ रहा हूँ, आपकी आंखें नम हो जाएंगी कि नेहरू का जो एक इंडिविजुअल दौड़ दौड़ के वो कोशिश कर रहे हैं, जैसे जैसे 28 कॉलोनियां बसी दिल्ली में, इंडिविजुअली लोगों ने बैठ के वहां पर काम किया। आज वो नहीं है क्योंकि आज समाज अर्थव्यवस्था और चिंता बदल गई है और इसमें सबसे बड़ी भूमिका है दो तीन चीजों की। एक राजनीति जो है असत्य की हो गई है, दूसरी जो है एक जो समाज में एक करुणा का वातावरण होता है जिससे कि लास्ट मैन जो बात है, गांधी भी टॉलस्टॉय की बात कर रहे हैं, गांधी भी थोरो की बात कर रहे हैं, लास्ट मैन जो है एक यूनिवर्सल फेनोमेना है। ऐसा नहीं कि गांधी खुद सोच रहे, बहुत लोग भी सोच रहे थे कि लास्ट मैन, गांधी के जितने दोस्त हैं सारे इवांजेलिकल है, क्रिश्चियन मिशनरीज थे, वो लास्ट मैन की बात कर रहे हैं। आज चर्च से भी लास्ट मैन की बात नहीं होती, ठीक है। तो एक जो पूरी परिस्थिति बदली है और समाज जो बदला है उसमें हमारा पतन बहुत ज्यादा हुआ है, कारण हमारे पास ऐसे एनलाइटनिंग फोर्स नहीं आई राजनीति में। और राजनीति जो है वो कमांड की होती है, राजनीति ही कमांड करती है। हम जितना भी कह लें कि समाज, इतने सारे समाज सुधारक आए, लेकिन फाइनली जब वो राजनीति में आते हैं तभी समाज उस राजनीति में आता, राम मोहन राय राजनीति में आते हैं। तो राजनीति का हमने परिभाषा बदला, उसका हमें जरूरत है कि गांधी की परिभाषा में ले जाएं। और ये जो राजनीति की जो मुख्य आइडियोलॉजी होगी, आइडियाज होगी, वो करुणा की होगी, जो आप कह रहे हैं बार बार, करुणा की राजनीति होगी। वो शायद कहीं वो ट्विटर वगैरह वो एक डिस्टेंस, उसमें करुणा नहीं झलकती, नहीं मेरे साथ संवाद नहीं झलकता, मेरे साथ उनकी जो जुड़ाव है वो नहीं जुड़ता। इसलिए आप जो है, एक तो इंडस्ट्रियलिज्म नहीं है, इंडस्ट्री बनाने उसमें इक्वालिटी की नोशन नहीं है, वो जरूरी होती थी। साथ में गांव बसाने की किसी की तमन्ना नहीं है, कोई जो इकोनॉमी आई है वो गांव से विस्थापना की है। तो इकोनॉमी से लोग दोनों तरह से मारे जा रहे हैं, वो कहां जाए, गांव ही उनकी स्थायित्व, गांव थोड़ा बहुत स्थायित्व देता है, इसलिए वो जा रहे हैं। और दूसरी बात, शहर में हम उसको रोके, उसकी राजनीति नहीं है हमारे पास, शहर की राजनीति जो है वो इक्वालिटी की नहीं है, तो हम उसको रोक नहीं सकते। और ओवरआर्चिंग राजनीति में करुणा नहीं है। तो आप देखिए कहीं भी हमारा समाज जो है एक बहुत ही विस्थापित समाज बन चुका है, जो यहाँ रह रहे हैं वो उतने ही विस्थापित हैं जो कि जो विस्थापना में माइग्रेंट होते हुए दिख रहे हैं। हम नहीं कह सकते कि जेएनयू की इस चारदीवारी में बैठ के हम बहुत बहुत महसूस कर रहे हैं कि हम किसी जड़े हुए जगह पे हैं, नहीं, हम भी उतने ही विस्थापित हैं। जी बिल्कुल सर, इसी से रिलेटेड एक चीज और गांधी के बारे में आती है कि कहीं ना कहीं गांधी का हम ऑफिशियल अप्रोप्रिएशन देखते हैं, एक सिंबॉलिकली उनको हर तरीके से यूज किया जाता है, चाहे हाल ही फिलहाल में जो कैंपेनिंग चल रहा है स्वच्छ भारत अभियान जो रूलिंग पार्टी चला रही है उसमें गांधी के चश्मे को बहुत सिंबलाइज किया जा रहा है। वैसे ही जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं वो राजघाट पे जाके गांधी जयंती में और जब उनकी मृत्यु हुई थी 30 जनवरी को उस दिन जाके बैठते हैं और ऐसे ही उनके स्टैचू बनाए जाते हैं वगैरह। साथ ही में एक कहीं ना कहीं पत्रकारों को ज्यादातर देखने को मिल रहा है कि गांधी के बारे में एक नैरेटिव बहुत स्ट्रॉन्ग किया गया है पिछले कुछ सालों में और वो कहीं ना कहीं एक हेट कैंपेनिंग जैसा आया है हमारे सामने। आप किसी से जाके आप बात करेंगे तो आप को वो बताएंगे कि गांधी जो थे वो पार्टीशन के जिम्मेदार थे, गांधी जो थे वो दलित विरोधी थे, गांधी पैट्रियार्कल थे, बहुत सारी चीजें उनके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं। तो एक हेट कैंपेनिंग जो इस तरीके के अभी समाज में चल रहा है जिसमें कहीं ना कहीं लगता है और इस समय में इस दौर में जहाँ पे जो गांधी की मृत्यु हुई जो गोली मारने वाले थे उन लोगों का वर्चस्व कहीं ना कहीं ज्यादा बढ़ रहा है, ऐसे समय में जो आज का जेनरेशन है उनसे हम गांधी के बारे में कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, गांधी कैसे बता सकते हैं कि आपके जो नैरेटिव है उसे उठा के देखने की जरूरत है, क्योंकि गांधी के बारे में बहुत सारे रंगीन किताब समाज में आ चुके हैं जिनको छोटे छोटे जिनको लोग आदमी पढ़ के या व्हाट्सएप मैसेजेस या फेसबुक पे पढ़ के एक विचार बनाते हैं कि अच्छा गांधी ऐसा होगा।
लेकिन गांधी के सही मायनों में समझा पाना आज के लिए मुश्किल है। तो आप बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, आप अपने क्लासरूम में ये चीज को देखते होंगे, तो लिटरली कैसे हम लोग सर कम्युनिकेट कर पाए आज के जेनरेशन से गांधी के बारे में? बहुत बहुत इम्पोर्टेंट आपने सवाल किया, चूंकि आप कर ही रहे हैं कम्युनिकेट और हम लोग सबकी कोशिश रहती है। देखिए, अगर इतिहासकार जिस तरह से देखता है, उसके पास एक 200-300 सालों का या 1000 सालों का एक ट्रेजर होता है उसके, तो वो थोड़ा सा डरता नहीं है कि भाई पहले भी ऐसा हुआ है। आपको बता दूं, 1926 में इतने रायट्स हुए थे इस देश में, ठीक है, इतने रायट्स हुए थे 1924 से 26, और खासकर 26 में, 34 में अर्थक्वेक आया है। तो ये समाज और दिल्ली शहर जैसे, यू नो, इतने लोगों ने लूटा। अभी जो जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो दंगे हुए, मुसलमान ने काफी मरे हैं। ऐसा नहीं है कि मुसलमान पहले नहीं मरे हैं, 47 में भी बहुत मारे गए, उसके पहले ना चंगेज मार के गया है, नादिर शाह मार के गया है। तो इतिहास में ऐसे दौर आते हैं, और इतिहासकार इसलिए ये सोचता है कि ये दौर भी कुछ दिनों बाद ढल जाएगा। शायद यही कारण है कि इतिहासकार जो है वो साहित्यकारों के साथ थोड़ा नजदीक रहता है, क्योंकि वो भी कहता है कि चलता सूरज नो ढल चलता सूरज आगे आगे चले ढल जाएगा, तो ये ढलेगा। लेकिन साथ में जो जो आपकी समस्या है, जो आप समस्या की तरफ आप इंगित कर रहे हैं, वो है कि यूथ यूथ ही क्यों, सबके साथ एक अजीब से चीज आई, जब नई मीडिया जो आई है, विजुअल मीडिया जो है ये, और स्क्रीन कल्चर जो आया है, इसने समय को बड़ा अजीब सा एक ये दे दिया है, क्या संकुचित कर दिया है। अब हिंदू इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसको खुदाई करके पढ़ के पहले बरसों लगते थे, आप बस क्लिक कीजिए और आपके सामने है। तो हमारे युवा बच्चों को लगता है कि कल, आज और कल जो है एक ही समय में है, 2 सेकंड के अंदर तीनों चीजें हैं, उसमें उनको जो बता दिया जाता है उसको जोड़ लेते हैं। एक तो ये है मीडिया का जो रोल है उसमें जो कंटेंट की बात आप कर रहे हैं कि गांधी के विषय में इतने हेट चलते हैं कि गांधी की जो सही भूमिका है वो न बताकर कुछ और बताई जाती है, ये 1940 में भी बताई जाती थी। एक अखबार में मैंने पढ़ा, वकील हिंदुस्तान करके एक अखबार निकलती थी बंगाल में, उसने कहा, एक छोटा सा लाइन दिया है कि गांधी को गाली देना इलीगल नहीं है, मतलब आप बता रहे हैं कि गाली दो, मतलब वो उस समय से चल रहा है। तो ये तो राजनीति है ना, कि गांधी उस जगह की राजनीति कर रहे हैं जब उस जगह से गांधी को हटाना है, और ये राजनीति चलती रहेगी, आज नहीं 50 साल बाद भी चलेगी। बारी उनकी है जो उस राजनीति के साथ लड़ रहे हैं, वो किस चीज की जो आप कह रहे हैं उस वो कहां पर, अगेन जो 3 शाश्वत बात हमने कही गांधी के राजनीति की, कि सत्य की राजनीति अगर होगी, और मीडिया देयर फोर हैज टू ब्रिंग इन सत्य, ठीक है, वो सत्य जो वो अपने वो तो डिगे आज हो सकता है कम दिख रहा हो, हर जनरेशन को लगता है कि अगला जनरेशन जो है वो असत्य है, लेकिन वो होता नहीं है, वो लड़ाई चलती रहती है। देयरफॉर द क्राइसिस दैट यू आर फेसिंग ऑफ यू आर टॉकिंग अबाउट हेट कैंपेन अगेंस्ट गांधी, इट वाज एन अर्लियर फेनोमेना, इट हैज नाउ टेकन बिकॉज द स्टेट हैज बीन कैप्चर्ड एंड स्टेट के थ्रू से ये सब किया गया है, और यहीं पर शायद गांधी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि अगर जैसे आपने कहा कि स्टेट ने उसको अप्रोप्रिएट कर लिया था, मेरे ख्याल से शायद वो पार्शियल ट्रूथ है, स्टेट ने कभी अप्रोप्रिएट नहीं किया था, गांधी गांधीवादियों के लिए छोड़ दिया गया था। अब देखिए गांधी दर्शन वगैरह ट्रस्ट बना के छोड़ दिया गया था, लेकिन सारे सारे जो ट्रस्ट है वो गांधी के विरोधियों के हाथ में चले गए सारे, अब तो सारे, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं कि गांधीवादियों जो गांधीवादी बने उन्होंने कोई बहुत बड़ा कैंपेन करके बहुत कुछ किया। इनफैक्ट 77 में उनकी बड़ी अच्छी किताब है रिचर्ड फॉक्स की, गांधी इज यूटोपिया, की कैसे गांधी की सारी संस्थाएं कब्जे में हो गई दूसरों के। तो जो अप्रोप्रिएशन ऑफ गांधी की आप बांधी, स्टेट की बांधी, चूंकि गांधी ने तो जनता की लड़ाई लड़ी, उन्होंने राजनीति के जो परिभाषाएं गढ़ी वो जनता, राजनीति जनता करती है। अगर स्टेट धीरे धीरे जनता के विरुद्ध अपने आप को खड़ा करेगी, गांधी के विचार अपने आप फिर से परिभाषित होंगे हर नए जनरेशन में। इसमें मुझे लगता है हमें ज्यादा निरुत्साहित होने की बात जरूरत नहीं है, ये समय की बात है, ठीक है। समय जैसे आप कहते हैं कि बड़ा बलवान होता है, अभी हम बहुत दबे कुचले से दिख रहे हैं, लेकिन ये जो जो इकोनॉमी है वो भी सबको दबा कुचला ही बना के चाहेगी,
और इसीलिए आप देखिए, आपके आसपास एक जमाने में आप हो सकता है कि मिडिल क्लास में शामिल होते, आज अब आप लोअर मिडिल क्लास या प्रोलेटेरियट में दिखने लगे हैं हम लोग। तो अब धीरे धीरे समय वो भी आ रहा है जब दबे कुचलों की संख्या बढ़ेगी, जब इन सबको आपके नंबर्स बढ़ेंगे, तो ऑब्वियसली पॉलिटिक्स इन्हीं की होनी है, पॉलिटिक्स उधर से नहीं होनी है। तो आज जैसे हेट कैंपेन के जरिए से लोगों को जोड़ा जा रहा है, आपके पास दबा के डरा के जोड़ा जा रहा है, ये लोग भी कुछ दिनों बाद इसी पंक्ति में खड़े मिलेंगे आपके आगे या पीछे, और तब फिर से गांधी उतने ही निर्णायक साबित होंगे। इसलिए नहीं कि गांधी ट्रांस हिस्टोरिकल है या ही इज ए हिस्टोरिकल पर्सन, नो ही इज ए हिस्टोरिकल पर्सन। एंड इसीलिए आप देखिए, अब आपको बुद्ध की बात याद आने लगती है, करुणा की जो उनकी मुद्रा है, एयरपोर्ट 3 में भी करुणा की मुद्रा पे ही हाथ जाती है। इस समाज को सबसे ज्यादा जरूरत अभी करुणा की है, इस समाज को सबसे ज्यादा जरूरत अभी सत्य की है। हा? आपको बता दो, 18th century तक रेटरिक जो है, रेटरिक भाषा गलत नहीं बट मुंह से बोल के जो पूरी एकदम भाषा भाषण वगैरह दे के, वो सबसे बड़ी कम्युनिकेशन मीडियम थी पढ़े लिखे लोगों के बीच में और इसके बीच में। जैसे जैसे साइंस डेवलप किया 18th सेंचुरी में, रेटरिक डिक्लाइन करता है। आज उल्टा भारत में उल्टा देखा जा रहा है, कल प्रेसिडेंशियल डिबेट अमेरिका में भी उतना ही वो ऐसे ही देखा गया कि जैसे जैसे रेटरिक बढ़ता है, साइंस को दबा के बढ़ाने की कोशिश हो जा रही है। तो हमारे इसलिए गांधी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो उसने रेटरिक को कोई बहुत बड़ी मर्यादा नहीं दी, और साइंस को भी उसने इम्पोर्टेंस दी कि साइंटिफिक मतलब जो सत्य की बात है, सत्य साइंस और सत्य एक ही चीज है। तो हम साइंस को नीचे गिराया जा रहा है, सत्य को नीचे गिराया जा रहा है, डर को ऊपर उठाया जा रहा है, और इन सब के विरोध में एक आदमी खड़ा है, वो भी एक तरह से मेटाफर है, वो भी एक तरह से इंगित दे रहा है कि मैं खड़ा हूं। और हमें तो भाग्यशाली होना है कि हमें गांधी जैसे एक आदमी मिला जो इन सबको लेके खड़ा है उसके वस्त्र के रूप में, और हम देख सकते हैं दूसरे समाज में। और जैसे हमारे शिक्षक थे, उन्होंने एक बार कहा था मुझसे, बहुत सारी बातों के बाद ये आपको पति की बात लगेगी, कि देखो कीनिया युगांडा हम लोग ऐसे बात कर रहे थे, पाकिस्तान बांग्लादेश सब आजादी मिली और 5-10 साल कोई चले, उसके बाद सारे डिक्टेटर बन गए, हम तो 70 साल चल के अभी। उन्होंने कहा हमारे पास दो चीजें थी, और खासकर एक चीजें थी, उन सबके पास कोई शेख मुजीबुर रहमान था, इनके पास ये थे हमारे क्या नाम है जिन्ना थे, वहां अनक्रुमा थे, वहां कनेत कोंडा थे, ये था वहां सर बंडा नायके था, हमारे पास दो थे, नेहरू और गांधी, तभी हम इतने दूर आए हैं। आज भी शायद हमारे पास दो हैं और इतने सारे लोग निकलेंगे, तो हम फ्यूचर इतना खराब नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। जी एब्सोल्युटली सर, हमारे पास नेहरू गांधी अम्बेडकर वगैरह ही जो लोग थे जिनके कारण आज हमारा पिलर थोड़ा मजबूत है। सर हमारे पास एक समय कम है और मैं संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगा, बहुत ही संक्षेप में, कि सर क्या ये पॉसिबल है कहीं ना कहीं कि हम गांधी अम्बेडकर के साथ चलें, और ऐसा ना हो कि देखा जाता है कि जो अम्बेडकर को पसंद करते हैं वो गांधी को हेट करेंगे, या जो मार्क्स को पसंद करते हैं वो फिर गांधी को या अंबेडकर को हेट करेंगे। तो क्या ये जरूरी नहीं है कि हम तीनों चारों जो भी अच्छी चीजें हैं जो हमारे समाज में है या जो हमें मिला है, उनको हम कहीं ना कहीं एक मानवता के लिए एसेट लेके हम साथ में उन सबों को चल पाए, जहां से कुछ अच्छी चीजें मिले, हमारा मजबूत हो फाउंडेशन। देखिए आप सोशल साइंटिस्ट हैं, हम लोग हमारे जितने भी थ्योरीज होती हैं वो सोसाइटी में टेस्ट होती है। और ये जो अंबेडकर गांधी का डिबेट है या अंबेडकर मार्क्स का डिबेट है, मार्क्स गांधी का डिबेट है, ये गांधी इसमें लेकिन एक जगह खड़े हैं। जो डिबेट कराई जाती है वो और जो हिंदुत्व का डिबेट कराया जा रहा है भारतीयता के साथ, भारतीयों को इंडिया के साथ, वो विक्टिमहुड का डिबेट है, कौन ज्यादा विक्टिम है। हाँ, आप विक्टिमहुड हटा दीजिए तो कल भारतीय जनता पार्टी खत्म हो जाए। हाँ, अगर उनमें विक्टिमहुड का, हाँ, तो गांधी ने बार बार कहा ये मत कहो कि मैं विक्टिम हूं, उन्होंने कहा खुद को मजबूत करो। इसलिए गांधी के पॉलिटिक्स में विक्टिमहुड का सेंस नहीं है, इसीलिए गांधी पे आके ही सबको मिलना ही होगा, आज नहीं तो कल, गांधी नहीं भी है। अंबेडकर आज बहुत जरूरी था उनमें विक्टिमहुड आना,
कुछ दिनों बाद आप देखेंगे विक्टिमहुड का एक एग्जॉस्टेशन पॉइंट होता है, हिंदुत्व भी खत्म हो जाएगी क्योंकि विक्टिम चाहिए होगा, और रोज रोज जो विक्टिम होता है, आज बंगाल में जो पॉलिटिक्स हो रही है कि भाई आप विक्टिम हो, पार्टीशन के विक्टिम हो, जिस दिन मेरे मन से ये विक्टिमहुड का सेंस खत्म हो जाएगा, जब दलित में के अंदर से विक्टिमहुड का सेंस खत्म हो जाएगा, अंबेडकर गांधी के साथ खड़े मिलेंगे, क्योंकि अगर गांधी नहीं होंगे तो नेहरू भी नहीं है, अंबेडकर भी नहीं है, हम भी नहीं है, क्योंकि राष्ट्र अगर बना मूवमेंट के थ्रू से तो गांधीयन मूवमेंट से बना है, और राष्ट्र बना तभी अंबेडकर बंगाल में पूजे जाते हैं, ठीक है, नहीं तो वो महाराष्ट्र के इंटेलेक्चुअल लीडर होते और महाराष्ट्र एक अलग कंट्री होता, इसलिए सबको खड़ा तो गांधी के पास होना है। कारण यह है कि गांधी की राजनीति विक्टिमहुड की राजनीति नहीं है, और जो भी एंटी एंटी पॉलिटिक्स होता है विक्टिमहुड की पॉलिटिक्स होती है, इसलिए दलित पॉलिटिक्स जो है वो विक्टिमहुड इसलिए है कि वो एक रियल विक्टिम कम्युनिटी की क्लास की पॉलिटिक्स है। जब वो सेंस ऑफ विक्टिमहुड चला जाएगा, लार्ज पॉलिटिक्स सामने दिखेगा, गांधी के साथ खड़े होंगे और शायद हो भी रहे हो जी। थैंक यू प्रोफेसर बटरब्याल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ऐसे बातचीत की आज के समय ज्यादा से ज्यादा जरूरत है, और जो प्लेटफॉर्म्स हैं जिन तक ज्यादातर लोगों की पहुंच है वो पहुंच पाते हैं, और सारे चीजों को जो कॉन्टेम्प्रेरी हम चलने की कोशिश की उन सबों को आपने बहुत ही अच्छे ढंग से और विस्तृत में हम लोगों को बताया है। तो साथियों, आज हम लोग बात किए हैं प्रोफेसर राकेश भट्टब्याल से, और आपको कैसा लगा आप हमें बताइए, और आगे हम इसी तरीके से और प्रोग्राम लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।